नमस्कार दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। इस वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोगों से एक अनुरोध, एक रिक्वेस्ट, एक मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने पिछले शायद दो तीन वीडियो में आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी कि 1 जनवरी से जैसे नया साल लगा, तब से मैंने आप लोगों को 31 जनवरी तक एक ऑफर दिया है। ऑफर क्या है, इसे कुछ लोगों को समझने में शायद मेरे ख्याल से मुश्किल आई है, तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर और सिर्फ अगर आप मुझे संपर्क करते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मेरा ईमेल है, अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हो और मेरी कंसल्टेशन लेते हो, तो मेरी कंसल्टेशन फीस के अंदर ही मैं आपको अपनी तरफ से इस साल की शुरुआत में अपनी तरफ से आपकी कुंडली के अनुसार जो भी नग रत्न आप पे लागू होता है, वो मैं आपको उसी फीस में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रत्न होगा ये प्रेशियस स्टोन में नहीं होगा, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पुखराज पहनना है, तो पुखराज की जगह आपको मैं टोपैस पहनाने फ्री में दूंगा। पुखराज बहुत कॉस्टली होता है। उसी तरह से नीलम की जगह मैं एमेथिस्ट दूंगा, पन्ना की जगह पे मैं ओनेक्स दे सकता हूं आपको, और उसी तरह से रूबी की जगह पे मैं रेड गार्नेट दे सकता हूं आपको। एक हीरा जो बहुत बहुत कॉस्टली होता है, उसकी जगह पे एक जर्कन आपको देने की मैं कोशिश कर सकता हूं। खैर, ये तो रहा मेरा ऑफर। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे शुक्र के बारे में। शुक्र कल 5 तारीख को अपने ही नक्षत्र, जिसे हम पूर्वा अषाढ़ नक्षत्र कहते हैं, 5 तारीख को उसमें अस्त और बकरी होते हुए प्रवेश कर रहे हैं पीछे की तरफ। ये इस नक्षत्र में, पूर्वा अषाढ़ में 5 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक रहेंगे। हम सब जानते हैं कि शुक्र को हम जोड़ते हैं प्यार से, मोहब्बत से, वैल्यूज से, और ये जो नक्षत्र है ये आपसे कहना चाहता है नक्षत्र कि एक सेकंड चांस, एक और मौका आपको दिया जा रहा है कि आप किसी पे विजय प्राप्त कर लें। ये नक्षत्र ये भी बताता है, उसका भी एक टैगलाइन है, वो कहता है वो जिसे आप जीत नहीं सकते, अभी जीत कर लीजिए इसे आप। ये एक नक्षत्र की खासियत है। अब मैं ये वीडियो किसी एक राशि, किसी एक लग्न के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो आप अपने आप को इससे जोड़ करके देख सकते हैं। मैं तो बात कर रहा हूं कि मैं इस दुनिया में, हमारे आसपास में किस तरह का वातावरण क्रिएट हो रहा है उसके बारे में मैं विश्लेषण कर रहा हूं। देखिए, शुक्र का इस पूर्वा अषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करने से हमें एक समझना है कि क्योंकि ये इसके इनके खुद के नक्षत्र हैं, और जिस राशि में ये नक्षत्र है वो है धनु राशि। धनु राशि गुरु की है, यहां पर शुक्र एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। ये नक्षत्र हमेशा ऊंच विद्या या ऊंची विद्या, डॉक्टरेट, पीएचडी, इस तरह की बातें करता है। शुक्र इस नक्षत्र में एक सिचुएशन, एक व्यक्ति को दर्शाता है जिसे बहुत प्यार है उच्च शिक्षा प्राप्त करने में। उसमें एक भूख है, उसमें एक लग्न है, वो हर दिन हर रोज यही सोचता है कि मैं इसके आगे और क्या शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूं। और वो जो कुछ भी सीखता है उसका संबंध या तो अर्थव्यवस्था से होगा, यानी इकोनॉमिक्स, या तो फाइनेंस से होगा, क्योंकि गुरु है इस राशि के स्वामी, या तो फिर कोई ना कोई क्रिएटिव आर्टिस्टिक फील्ड होगी, बिकॉज शुक्र इस नक्षत्र के मालिक है। और सिर्फ वो सीखते नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान को अर्जित नहीं करते हैं, वो ज्ञान को बांटते भी हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत
इंटरेस्ट होता है कि ये अपनी एजुकेशन को ग्रहण करने के बाद में ये दूसरों को इसे बांटे। इसीलिए इसमें टीचर्स, काउंसलर, प्रीचर्स, गाइड्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये जो समय होगा, आप देखोगे कि बहुत से लोग आपको बाहर निकल करके शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। अब ये भी देखा गया है, ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के पास अगर नॉलेज है तो वो नॉलेज किसी डिग्री से, किसी स्कूल से या किसी कॉलेज से आई हो, ज़रूरी नहीं है। आपके पास भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से आप में, आपके पास ज्ञान का भंडार है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ऊंच की शिक्षा प्राप्त करता है, उसका दिमाग हमेशा इन बातों में लगे रहता है कि मैं किस तरह से ज्ञान को प्राप्त करूं। ये नक्षत्र ये भी बताता है कि ये व्यक्ति चीजों को जमीनी तौर पे उतर करके देखता है कि क्या सच है क्या झूठ है। ये चीजों को अलग अलग खंड में बांटता है, सच को सच सच की तरह रखता है, झूठ को झूठ बताता है। इस नक्षत्र में ये काबिलियत है, इस व्यक्ति में ये काबिलियत है, अगर आपका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, तो मैं आपकी बात भी कर रहा हूं कि ये व्यक्ति भिड़ जाएगा आपसे सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि आप जिस रास्ते पे हो, आप जो कर रहे हो, ये सही है या गलत है। इसे हम कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, डिस्प्यूट भी कह सकते हैं। लेकिन ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहा है कि सही रास्ता क्या है। हमें ये समझना है कि गुरु और शुक्र आपस में दोस्त तो नहीं है, दुश्मन ही है। क्यों? क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु हैं और शुक्र आचार्य राक्षसों के आचार्य हैं। तो दोनों में वो चीजें तो होंगी, एक तरफ राक्षस है और एक तरफ गुरु है। ये दोनों में एक डिस्प्यूट होने की संभावना आप देखोगे आने वाले वक्त में। 22 फरवरी तक आप देखोगे इस विचारों को लेकर के काफी लोग बाहर निकलेंगे और काफी लोग इस विचारों को अपने सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो यह चीज है जो आपके साथ सामने में आपके साथ साझा करना चाहता था। और देखते हैं कि ये शुक्र का इस नक्षत्र में प्रवेश करना हमें आगे आने वाले एक सवा महीने तक क्या दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो उसको एक लाइक जरूर दे दीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो को अपने तक ना रख करके दूसरों को साझा, दूसरों के साथ साझा भी कीजिए। और मेरे उस ऑफर को भूलिएगा मत। आप अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मेरा ईमेल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।